नाउ लाइव हर जुर्म का पर्दाफाश। पुलिस अधीक्षक बलिया के निर्देशन में अवैध शराब के कारोबार में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली बलिया पुलिस को मिली बड़ी सफलता, जिससे आने जाने वाले है कि थाना कोतवाली बलिया के विश्वदीप सिंह मय हमरा, प्रेमचंद दुबे, विजय चौसिया व चालक रमेश कुमार देवभाल क्षेत्र रात्रि गश्त कदम चौराहे पर मौजूद थे। जरिए मुखबिर सूचना मिली कि घनश्याम नगर कॉलोनी स्थित संजय कुमार के हाथा में अवैध शराब रखी गई है। छात्राओं को गिरकर चोट, सूचना पर मार्शल 6 पर तैनात असलम परवेज व मनीष यादव को साथ में लेकर मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर दबिश दी गई तो एक व्यक्ति मिला जो पुलिस को देखते ही भागने लगा। वार्ड सभासद को जिसे पुलिस बल द्वारा घेर भाग कर पकड़ लिया गया, जिसका नाम पता पूछा गया तो अपना नाम अजय कुमार पुत्र नारायण प्रसाद निवासी कदम चौराहा थाना कोतवाली जनपद बलिया बताया। जैसी बातों से टाल अहाते की तलाशी ली गई तो अहाते में 40 पेटी मिली, जिसमें 20 पेटी रात के 8 बजे व 20 पेटी ऑफिसर चौबीस के अंदर। यदि इस मार्ग पेटी को खोल कर देखा गया तो प्रत्येक पेटी में 48 पीस टैग्रा पैक 180 मेगालीटर की शीशियां बरामद हुई। कुल 40 पेटियों में 1920 शीशी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई, जिसकी कीमत लगभग 2,11,200 रुपए है। उक्त के संबंध में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गई।